हमारे शरीर का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है, इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ताकि हम सो सके। जब आप सोते हो तो आपके उस टाइम हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पर सोएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बायोमैग्नेट हेल्प करेगा। तो हमें हमेशा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है उनको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। जैसे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी, पैनक्रियाज को अगर अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, इंसुलिन जनरेट करेगा। वैसे जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पिनल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है, पिनल ग्लैंड जनरेट मेलाटोनिन हार्मोन्स, और ये मेलाटोनिन हार्मोन से एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो हमें नींद देता है। लेकिन पिनल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा जब पिनल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो पिनल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा और हम लोग 8 घंटा गहरी नींद में सो सकते हैं। अगर पिनल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो पिनल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी नींद कम हो जाएगी, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही हम सो पाएंगे, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ही सोना चाहिए। बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा सोते हो तो भी आप मरीज है, अगर आप कम सोते हो तो भी आप मरीज है। बायोमैग्नेटिज्म हमारे पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि यह सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं। हमारे शरीर में कुदरत ने नेचुरल सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी डाल के रखी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे हाथ को स्क्रैच आ जाए और मेरे कार को स्क्रैच आ जाए तो 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? मेरे हाथ का स्क्रैच तो मुझे पता भी रहेगा कि लेफ्ट में स्क्रैच हुआ क्या, राइट में स्क्रैच हुआ, क्योंकि कार में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन यानी हमारे इंसानी शरीर में नेचुरल हील होने की कैपेसिटी कुदरत ने दी है। आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर आज भी कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज जंगल का शेर भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी शेर जमीन पे सोता है, कुदरत का पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, कुदरत में रहता है। इवन गली का डॉग भी आज जमीन से जुड़ा हुआ है। ये इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर 150 साल के लिए बना है, लेकिन आज वो 30, 35, 40, 45, 50, 60 साल में उसको खत्म और बर्बाद कर देता है। दोस्तों आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है, और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जलाने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिजॉल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा, और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दीमक की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेल्यूर से मरता है। आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। यहां पर एक मोमबत्ती है मेरे पास, मैं मोमबत्ती के ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूंगा, करके दिखाऊंगा। जैसा आप यहां पर देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में भी किए थे। अब मैं यहां पर मोमबत्ती को जलाता हूं, मोमबत्ती जली यहां पर, अब मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही है। मैं इसके ऊपर कांच का ग्लास रखता हूं, इससे आपको यह क्लियर कट पता चल जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मैंने क्या कर दिया, इस मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। अब क्या होता है आगे देखिए, ऑक्सीजन का महत्व मैं इसमें से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे शरीर में क्या है, और बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में
हेल्प करता है। देखो मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपने खाया अब वो ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन भी बन गया। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मोमबत्ती जली 15 सेकंड के बाद बुझ गई, मोमबत्ती 15 सेकंड जली तो जली क्यों और 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों, उसका एक ही कारण है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं मिला उसने जलना बंद कर दिया। तो इंसुलिन का भी वही काम है, इंसुलिन भी ग्लूकोज को जलाता है लेकिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब शरीर में आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब मैग्नेट क्या करता है, बायोमैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन बनता है और यहां पर ग्लूकोज बनता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिला तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, शरीर में डायबिटीज शुगर नाम की कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही भयानक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो यह मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया शरीर में ऑक्सीजन की क्या महत्व है। हमारा ब्लड सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा रहता है। तो यह है ऑक्सीजन का महत्व, जो मैग्नेट हमारे शरीर में बायोमैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। विस्तार में हम डायबिटीज के बारे में समझते, डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, डायबिटीज कैसे होता है, उसके रोकथाम के लिए आप हम अधिक जानकारी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आज हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें थकान रहती है। वो थकान इसलिए रहती है कि उनके जो कैपिलरीज है, उनके जो वेसल्स है या उनकी जो वेन्स है या जो आर्टरीज है, उसके अंदर प्लाक रहता है, मतलब वो थोड़े नैरो हो जाती है, और नैरो होने की वजह से उसमें से जो जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके वजह से वो सप्लाई जिस ऑर्गन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ, किडनी की तरफ या मसल की तरफ, तो वो कम होने की वजह से उस ऑर्गन का फंक्शन बहुत तरीके से कम हो जाता है और इंसान को थकावट लगने लगती है। अगर ये थकावट से अपने को बचना है तो जो कैपिलरीज है उनको क्लीन रखना पड़ेगा, वेसल्स को क्लीन रखना पड़ेगा, और किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन एंड फ्यूल वही अगर नहीं मिला तो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो डायबिटीज़ है और बढ़ा हुआ इंसुलिन है वह शरीर को ख़राब करने लगता है आस्ते आस्ते, और अपने शरीर में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। अगर वो ब्रेन में ब्लॉकेजेस आते तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आया, हार्ट में ब्लॉकेज आते तो उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया। यानी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वहाँ के जो ऑर्गन है, वहाँ के जो टिश्यूज है, वहाँ को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, और ब्लड इसलिए चाहिए होता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ब्रेन फंक्शन प्रॉपर होने के लिए, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड सप्लाई किसी भी तरह का अवरोध होता है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो उस टिश्यू को मिल नहीं पाता। तो अवर अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट एम इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू द बॉडी, तो ही अपने वेसल्स क्लियर रहेंगे, तो ही प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग दे पाएंगे, तो ही अपने ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, आपसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, और आशा करते हैं कि हमारे लोग आपके इस नॉलेज का, आपकी जानकारी का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। थैंक यू। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट, सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के कारण चल रहा है, लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, अभी 4G के बाद 5G आ चुका है, और 5G के बाद 6G आएगा, तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है, उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप शक्ल देखोगे तो स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जनरेट करता है, और कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमने जो नाक से जो सांस ली है, जो हमारे लंग्स से पूरे शरीर के अंदर जो स्प्रेड होना चाहिए वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होती, डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, आज खाने के अंदर भी मल्टीपल केमिकल है। आज किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। आज कुदरत की तरफ से हमें जो मिलना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स,
आज बहुत ही कम मात्रा में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। सूरज की जो सुबह की जो किरणें हमें मिलना चाहिए फार इंफ्रारेड, आज वो भी हमें नहीं मिल रही है। देखिए मैं फार इंफ्रारेड किरणों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज बच्चा कोई अगर प्री मैच्योर बच्चा है, आठवें महीने में पैदा होता है, तो उसको सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। उसने आपने देखा होगा उसको कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से फार इंफ्रारेड उसको दी जाती है, ऑक्सीजन और फार इंफ्रारेड के कारण वो बच पाता है। तो इतनी जरूरी है फार इंफ्रारेड हमारे लिए। तो ये कुदरत से जो मिलने वाला है, एनवायरमेंट से जो मिलने वाला, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा पानी सब कुछ खराब हो चुका है, हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते थे, शाम को 7-7:30 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे, तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4-4:30-5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे, तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे, जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी, तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था, तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध मिलती थी, क्योंकि सुबह जब वो उठ जाते थे तो उनको ओजोन ऑक्सीजन विद फार इंफ्रारेड मिलता था। जमीन के ऊपर नंगे पैर, क्योंकि उस टाइम जूता चप्पल का कोई जमाना था, नंगे पैर जमीन से चलते थे, खेतों में काम करते थे, सब फिजिकल काम होता था, तो लोग कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी सैकड़ों टाइप की बीमारियां दुनिया में है, और आमतौर पर इंसान का शरीर कुदरत ने 125 से 150 साल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40-50-65-70 में खत्म और बर्बाद कर देते। मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती क्योंकि ये 5 तत्व आज हमें नहीं मिले। हमारे शरीर को ये 5 तत्व चाहिए, छठवा कोई भी तत्व हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए 5 तत्व चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां हम लोग ला रहे, वो हमारे शरीर की बिल्कुल भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज ये 5 तत्व नहीं मिलने के कारण वो केमिकल और ड्रग्स हम लोग हमारे शरीर में डाल के और केमिकल डाल रहे। और दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी सिंगल वारंटी गारंटी कभी नहीं देता, एक बात ध्यान में रखना। दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देता, बल्कि अगर कोई सर्जरी करने आप जाते हो, जैसे हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी की सर्जरी, या कोई भी तमाम सर्जरी आप करने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे लिखा के लेता है कि मरने की 100% गारंटी, जीने की 1% भी गारंटी नहीं। तो गारंटी नाम की कोई चीज होती नहीं। मैं आपको